एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। ए लड़ाई ईशू, दोनों भाई इतना लड़ते हैं ना, इतना लड़ते हैं, ये बहुत ज्यादा समझ में नहीं आता। बड़े होके भी लड़ेंगे या ये छोटेपन में लड़ रहे हैं? शुरू हो गया। और आज ये देखो हमारे, ये कई बार मैंने ये अलमारी कई बार लगा दी मैंने, टूट गई है। किचन में देखो नाश्ता हो गया है सभी का, आलू के पराठे बनाए, कुछ सैंडविच वगैरह खाए। यहाँ मैंने अपना ये देखो ऐसे दिखाऊंगी, ये यहाँ पे ईशू के लिए मैंने ब्रेड गरम करे थे तो अभी तवा है। एक बार गैस वो सॉरी पूरी किचन की ताने साफ करके उसके बाद फिर से गंदी हो गई है। मैं थोड़ा सा मैं कर देती हूँ। दलिया बनाया है मैंने यहाँ पर, ये वाला दूध का दलिया। मैं कभी कभी दूध का दलिया बना लेती हूँ अपने लिए, और जो कि चीनी डाल के नहीं खाती मैं, इसे शक्कर डाल के खाती हूँ, अच्छा लगता है मुझे। तो दूध वाला मैंने दलिया बना दिया, बाकी का सैंडविच बने, थोड़े से बर्तन हैं, ये सब करूँगी। और साधना बहन की है शादी की सालगिरह, यानी कि उनकी शादी को हो जाएंगे 25 साल। तो उन्होंने मुझे कई दिन पहले भी बोला था, मुझे बिल्कुल याद है। तो संजय गोयल नाम है उनके हस्बैंड का। तो आप दोनों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं साधना बहन। भगवान करे आप 50 साल से भी आगे जाकर के, अभी तो आप सिल्वर जुबली मना रही है, गोल्डन जुबली से भी आगे जाओ, अपनी सालगिरह मनाओ। और कैसे मना रही है मुझे पिक जरूर भेजना, या हो सके तो छोटी मोटी वीडियो अगर बनाओ तो मुझे इंस्टाग्राम पे भेजना। और आप सब लोग भी साधना बहन को आशीर्वाद देना और अपनी दुआएं देना, ब्लेसिंग देना अपनी, क्योंकि देखिए 25 साल उनकी शादी कंप्लीट हो गए हैं, और 25 साल पर तो वैसे भी अच्छे से धूमधाम से मनाना बनता है। तो भगवान करे आप दोनों की जोड़ी हमेशा बनी रहे और स्वस्थ रहो, निरोगी काया रहे तुम दोनों की, और खूब फलो फूलो। तो चलिए अब वीडियो को शुरू कर लेते हैं, क्योंकि साधना बहन ने मुझे 2-3 बार कमेंट किया था, लेकिन एक बार कैसे ही मुझे याद था, मैंने की भूलूंगी नहीं। कभी कभी जैसे बहुत पहले बोल देते हैं वो मेरे ध्यान से निकल जाता है, लेकिन अभी 1-2 दिन पहले बोलते हैं तो मुझे पक्का याद रहती है। तो मुझे याद थी, और किसी की सालगिरह हो, क्योंकि मई के महीने में ना काफी लोगों की शादी की सालगिरह होती है। मेरे भैया भाभी की भी थी अभी 13 तारीख को, बड़े वाला भाई है मेरा, उसकी शादी को 15 साल कम्प्लीट हो गए, जैसे मैंने पिछली वीडियो जो गई है उसमें बताया है। तो चलिए आज ईशू फिर से आप लोगों के लिए एक रेसिपी लेकर के आई है, जो कि गर्मियों में काफी यूजफुल है। कैसी बनती है वो सब आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। अब प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करो, और क्या देखना चाह रहे हैं वो मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि मेरी वीडियो उस हिसाब से नहीं जा रही जैसे बीच में जा रही थी। चलिए वैसे कोशिश करूंगी कि और अच्छे से अच्छे आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर पाऊं। नाच रहे तो थे, लेकिन देखिए ध्यान से देखिए पिंकू का मुंह यहाँ पे, और चॉकलेट खाई है इसने, पिंकू ने आइसक्रीम सॉरी, और अच्छा, और ये गन्नू ने गाड़ी बनाई है यहाँ पे, हैं बाथरूम में। और अभी कहाँ गया था तू, कमरे में बाथरूम में, इधर वाले में धोता गई है कहीं। फ्लाइट लेफ्टिनेंट फ्लाइंग ऑफिसर भी ना सीधा वो, और बना हुआ स्क्वाड्रन लीडर। यहाँ पर ईशू ने लिया है 1 कप दूध, उसमें डालेगी 2 से 3 चम्मच शुगर पाउडर है, ये मिक्सी में पीस लिया है चीनी को। आप कितना मीठा खाते हैं उसके अकॉर्डिंग भी डाल सकते हो। और उसके बाद इसमें डाला है इसने जो पाउडर वाला दूध आता है वो वाला, आपके पास में पैकेट नहीं है तो ये आजकल 10 रुपए का एक सैसे मिल जाता है, वो ले लीजिए। वो इसमें इसने 2 से 3 चम्मच डाल दिया, उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद में यहाँ देखिए मैंने केसर को थोड़े से गर्म पानी में गर्म दूध में भिगो के थोड़ी देर पहले रख दिया था, उसके बाद इसमें केसर को ऐड कर दिया है। और इसमें कुछ ड्राई फ्रूट जैसे कि बादाम और काजू, उनको कट करके इसने डाल दिया है। अरे मैं इतनी देर से वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो तो बनी नहीं रही थी। और यहाँ पे देखिए ईशू ने फिर दोबारा से इसमें डाला है शुगर पाउडर, और थोड़ा सा डालेगी इसमें फिर पाउडर, क्योंकि वो दूध जो बना के रखा था उसका अलग काम है और इसका अलग है। इसमें भी थोड़ा सा दूध डालेगी और इसको अच्छे से मिक्स करेगी, और मिक्स करके इसको भी साइड में रख देगी। बहुत जल्दी से स्वीट बनती है। और इसी में थोड़ा सा जो बनाया ना इसने 2 चम्मच दूध डाल करके कटोरी में, उसमें 2 चम्मच मलाई भी डाल दी है। आप चाहो तो डाल सकते हो, नहीं तो मलाई को स्किप कर सकते हो, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि भाई इसको डालना ही डालना है। उसके बाद इसको भी मिक्स करके साइड में रखेंगे अभी। और यहाँ पे ब्राउन ब्रेड लिए थे, उनको इस तरीके से ट्रायंगल में काट लिया है। आप चाहे तो दूसरा वाला भी ब्रेड ले सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे ब्राउन ब्रेड लिए हैं।
उसके बाद में जब मलाई वगैरह डाल करके कटोरी में दूध डाल के रखा था उसको हर मतलब ब्रेड के लगा करके और एक और पीस बना करके इससे स्लाइस मतलब ब्रेड के पीस जो रहते हैं ना जैसे सैंडविच बनाते हैं हम डबल करके ऐसे कर लिया। उसके बाद में सिंपल दूध में भिगो करके और इस तरीके से एक डोंगे में रख लिया है। और जो केसर वाला बनाया था मीठा दूध उसको इस तरीके से सारा इसके ऊपर डाल के और 2 से 3 घंटे के लिए इसको हम फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए। और आप यकीन नहीं मानोगे इतना टेस्टी बिल्कुल रबड़ी जैसा ये टेस्ट आता है इसका, क्योंकि इसमें ड्राई फ्रूट भी डल गए और मीठा भी हो गया है। घर पे अगर कोई मेहमान आते हैं तो इसको आप बना सकते हो बहुत अच्छा मीठा और टेस्टी बनके और एक अलग से रेसिपी तैयार हो जाती है। तो इसको रख देंगे फ्रिज में और फ्रिज के बाद में ना जब हमने निकाल के खाया था तो भूल गए वीडियो बनानी, अब वीडियो बनाना ही भूल गए उसकी, लेकिन सच्ची में बहुत टेस्टी बना था। आप एक बार मेरे कहने से ज़रूर बनाना। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ सैंडविच, तो सैंडविच के लिए मैंने यहाँ पे प्याज ली है, हरी मिर्ची ली है और शिमला मिर्ची, टमाटर मेरे पास थे नहीं। इसमें मैंने थोड़ी सी मलाई डाली है और मेयोनीज डाली है। आप चाहो तो खाली मलाई से बना सकते हैं, मेयोनीज को स्किप कर सकते हैं। बच्चे यहाँ मेरे पास में ही लगे हुए हैं दोनों, जो आपको आवाज़ आ रही होगी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे घी डाल करके और उसके बाद बना रही हूँ मैं सैंडविच। सैंडविच की वैसे रेसिपी मैंने डिटेल में कई बार आप लोगों के साथ में शेयर की हुई है यहाँ पे, कई सारे कई तरीके के मैंने सैंडविच आप लोगों के साथ में शेयर किए हैं। तो यहाँ देखिए हमारे सैंडविच बन के तैयार हो गए और उधर बच्चों के लिए पराठे भी बनाए थे तो आटा भी लगा हुआ रखा है। और यहाँ पे देखिए मैंने आज खोला है चप्पलों का बाजार, तो आप लोगों को जिस जिसको खरीदनी है बता दीजिएगा। ये ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं है कि मेरे घर में ही है, ये सभी के घर में ये हाल होगा कि कहीं जाना होगा हमारे पास कपड़े नहीं है, चप्पल जूते नहीं है, लेकिन घर में हम अगर निकालने बैठ जाएं तो इतने निकलेंगे कि उनको संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं भी आज अलमारी को सेट करने के लिए बैठी थी, उसमें देखा मैंने कितनी सारे चप्पल और जूते लगे हुए हैं। और यहाँ पे गीता ने किचन वगैरह सब अच्छे से साफ कर दी थी, लेकिन थोड़ा सा दलिया वगैरह मैंने बनाया था तो मैंने कि चलो इसको मैं कर देती हूँ। उधर गीता ने मशीन लगाई हुई है, फिर पोछा वगैरह भी लगाना है। ईसू यहाँ पे मेरे से कुछ कुछ बातें करे जा रही थी। लगा दिया किचन साफ करने के लिए, यहाँ पे बैठ कर जा रही ईसू रगड़ रगड़ के आज ईसू रगड़ रगड़ के धोएगी कपड़ा यार अच्छे से करेगी। ये चिकन आए कि दूसरे तीसरे दिन इधर वाला जो है ये हिस्सा इधर वाले पे भी हाँ साबुन अगर अच्छे से करेगी रगड़ रगड़ के जरा सी भी चिकनाई है ना पाई पंखा का भी वो गंदा होने लगा, पंखा भी साफ है, जाली भी किसी टाइम पे वो बनाऊंगी मैं लिक्विड वाला, उससे होंगी है सारी साफ, नहीं तो जाली चौक हो जाना, कूलर चले आजकल धूल हो जाती है। और ये स्टेपलर और दिन मैंने पूरी तोड़ दिया है ये स्टेपलर मैंने उधर में पूरी तोड़ दी थी किसका था ये मेरा ही था वो दिन पीछे वो स्टेपलर ही खड़े पे स्टेपलर करी कहीं जोड़ लिया पटान पे रखा इसे लाई है तो क्या बुरी तो लाई थी मैंने मैं तो आज देखा ये अलमारी में रहता है बड़ा स्टेपलर है ये उस दिन छोटे नहीं मिल रहे थे तो मैं यहाँ खड़े होकर सामान नहीं सेट कर यहाँ रख दिया ऊपर वहीं धर पर वो तो मैं लेके गई थी वो तो जल्दी जल्दी हाथ चलाओ जल्दी जल्दी काम करो बातें कम करो उतार नीचे देख लो मेरा ऑपरेशन हुआ है और हालत इसकी खराब हो रही है। आजकल के बच्चों में दम तो है नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ना तो दूध पीना है कल तो गया था ना हरी सब्जी खानी है लौकी तोरी पालक कुछ भी काशी फल हरा होता है इन्हें खाली पिज्जा दे दो बर्गर दे दो बस इनको बहुत पिज्जा खिला रही है चटपरे दे दो इन्हें फिर इन्हें एक बार में कुछ व्रत रख ले या कुछ उसमें इनकी ताकत चली जाती है इन्हें ताकत कहाँ से मिले आइसक्रीम खाने के लिए डॉक्टर ने इतने दिन बाद पिज्जा खाने के डॉक्टर ने लगा
सब्जी खाने के लिए तो इन्हें बोल देते, तोरेगी के लिए तो ये वो और बोल देती है, मरीज खाते जैसे कि आप हो। मैं मरीज तो खा नहीं रहा आंटी के घर, आंटी घर मरीज नहीं खा रहा क्योंकि शुभम का ऑपरेशन हुआ है, वो तोरी नहीं खाता, लौकी नहीं खाता, तो वही तो बोल रही है वो भी तो नहीं खा रहा है, उसे चाहिए क्या क्या कहते शाही पनीर शाही पनीर चाहिए उसको और पेड़े खाने, हाँ पेड़े मम्मी पेड़े बना दो, ऊपर से सब सब्जी वगैरह में घी चाहिए, तो वही तो बोल रही है मरीज तो खाने में मुझे खिला दो। वही वो भी कौन सा खाता था पहले से लौकी तोरे थे इसलिए वो नहीं खाता। वही तो आगे कभी इन बच्चों को अगर बाय द वे पता नहीं है मेरा मुंह आ भी रहा है नहीं आ रहा है, इन बच्चों को लौकी तोरे खाने की आदत है नहीं है, लेकिन इन्हें ये पूछो कभी आगे भगवान ना करे कोई हारी बीमारी ऐसी कोई दिक्कत होती है तो कैसे काम चलेगा। अब जैसे कि सुबह में खा लेंगे, मुझे पीलिया हुआ था खाया था मैंने, जैसे सुबह में अब नहीं खाता बिल्कुल भी लौकी तोरी, तो ऑपरेशन के बाद भी नहीं खाता, लेकिन चलो अच्छा है कि भगवान ने, वैसे तो डॉक्टर ने उसको सब बोला है कि तेरा इतना वो नहीं है, दिक्कत वाला कोई परेशानी वाली बात नहीं है, तू सब खा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो हरी सब्जी भी खानी चाहिए, देखो तभी शरीर में जान आती है। और ईशु को तो दूध भी नहीं चाहिए बिल्कुल भी, दूध भी नहीं पीना उसको। चलिए काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए किचन भी हो गई है, क्लीन हो गए। ईशु पे मैंने ऊपर से कबड़ वगैरह वो थोड़ा साफ करवा दिया क्योंकि मैं अभी ऐसे उल्टे सीधे काम नहीं कर सकती, ना चढ़ने उतरने गए ये भी नहीं करती हूँ, ये तो मैंने ऐसे छोटा सा ही बस काम था तो चलो थोड़ा सा मैं चलो मैं कर देती हूँ क्योंकि पड़े पड़े मैं भी बोर हो गई हूँ। उसके बाद में यहाँ मैं कर रही हूँ थोड़ा सा ये साफ सफाई, और यहाँ मैंने हारपिक लिया हुआ है, हारपिक को ना मैं एक जो हमारा जूना बेकार हो गया था उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा लगा के मैंने जो पानी की टंकियाँ इनके ऊपर लगा दिया था और कुछ देर छोड़ दिया है, उससे इतनी अच्छी चमक आ जाती है ना टंकी वगैरह इनके ऊपर, और यहाँ पे पानी डाल के टाइल्स वगैरह भी ये क्या रहता है थोड़ी बहुत देखिए छींटे चली जाती हैं, तो सुबह के टाइम में जो रहता है यही काम जरूर डेली का रहता है कि टाइल्स वगैरह को इनको सबको अच्छे से साफ करें, जिससे कि फिर एक दिन हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी अगर हम रोज़ रोज़ थोड़ा थोड़ा करके इस काम को हम करते रहेंगे। तो हमारे घर में यही रूटीन है कि सुबह को स्लैब पे अच्छे से जूना मारना और ये टाइल्स वगैरह डेली सुबह में जब नाश्ते के बाद किचन साफ होगी तो इसी तरीके से होगी यहाँ पर। और देखिए वीडियो अगर पसंद आया हो और रेसिपी पसंद आई हो ईशु की तो आप प्लीज़ उसके लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक करके मिलते हैं ना तो वो खुश हो जाती है कि मतलब मेरी रेसिपी पसंद आ गई है। तो यहाँ पर मैं बर्तनों की जो टोकरी है उसको भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी, और उसके बाद दो तीन बर्तन हैं, ज़्यादा नहीं है किचन पूरा, पहले मैंने बताया साफ हो गया था, बस दो तीन बर्तन हैं उनको भी साफ करके इसमें रख दूंगी। और अच्छा सा लग रहा था आज किचन में काम करके क्योंकि बहुत दिनों के बाद मतलब ये सब काम मैंने किया है, लेकिन मुझे पता आप सब बोलोगे दीदी रेस्ट करो, रेस्ट कर रही हूँ बस, ये हल्का फुल्का कभी कभी कुछ काम कर देती हूँ और कुछ ज़्यादा नहीं है। कल मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।